मकर संक्रांति का पर्व धर्मनगरी उज्जैन में हर्षोल्लास से मनाया गया। सोमवार सुबह 4 बजे पुरोहितों द्वारा भगवान महाकाल को तिल का उपटन लगाकर गर्म जल से स्नान कराया गया। स्नान के बाद भगवान को नए वस्त्र धारण कराए गए, जिसके साथ ही उनका श्रृंगार भांग, सूखे मेवे और सोने चांदी से बने आभूषणों से किया गया। बाबा महाकाल के मनमोहक श्रृंगार के बाद उन्हें तिल से तैयार किए गए 56 पकवानों का भोग लगाया गया, जिसमें गुड़ और शक्कर से बने तिल के लड्डू भी शामिल रहे। भोग के साथ ही भगवान की भव्य आरती की गई। तिल उत्सव के खास मौके पर मंदिर को फूल व पतंग से सजाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति के दिन भगवान महाकाल को तिल से स्नान कराने और तिल के पकवानों का भोग लगाने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इस मौके पर ज्योतिर्लिंग की जलधारा में भी तिल अर्पित की जाती है, जिसके साक्षी बनने के लिए पूरे देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। मकर संक्रांति पर स्नान के साथ दान का विशेष महत्व है। ऐसे में हर साल मकर संक्रांति पर्व के दिन शिप्रा के तट पर भक्त स्नान करने के लिए उज्जैन पहुँचते हैं। श्रद्धालु शिप्रा स्नान के बाद तीर्थ पर वैदिक ब्राह्मणों को परंपरागत तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र, पात्र, दक्षिणा आदि देते हैं।